हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि, आप सभी का स्वागत है यमी टमी कैफे में। आज की हमारी रेसिपी है क्विक और सिंपल कुकीज केक, आप इसे चॉकलेट केक भी बोल सकते हैं। ये 3 इंग्रेडिएंट केक है और झटपट से बन जाता है। अब हम अपने चैनल पे जो है केक की रेसिपी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो चलिए केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस केक को बनाने के लिए 2 टाइप की कुकीज़ ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओरियो कुकीज़ और हाइड एंड सीक कुकीज़ का इस्तेमाल किया है। ओरियो कुकीज़ की मैंने क्रीम निकाल दी है। अब इसका जो है हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने इन सारी कुकीज़ को पीस लिया है और इसकी क्वांटिटी जो है 1.5 कप है, 1 कप + 1/2 कप। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें जो है गुनगुना दूध डाल रही हूँ मैं। तो पहले मैंने यहाँ पे 1/2 कप के बराबर दूध डाला है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा ग्रेजुअली हम और मिल्क इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप और डाल दिया है मिल्क। इसे अब हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिला लेंगे इस तरह से। आप इस केक को किसी भी तरह की कुकीज़ के थ्रू बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें जो है 1/2 टेबल स्पून के बराबर जो है बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा 3rd इंग्रेडिएंट था। यही 3 इंग्रेडिएंट के थ्रू हम अपना केक बना रहे हैं। इसे हम कट एंड फोल्ड मेथड से हमने इसे मिला लिया। इसमें कोई भी लम्स नहीं है, कोई भी बड़ा पीस नहीं है कुकीज़ का। तो देखिए अच्छे से हमने इसे मिला लिया है। अब मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है, जिसे मैंने पहले से ग्रीस करके रख रखा था और इसमें मैंने बटर पेपर लगा रखा था। अब इस मिक्सचर को जो है हम जो है केक टिन में डाल दिया है। इसे अब हम टैप कर देंगे, जिससे कि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। अब हम इस केक को माइक्रोवेव में बना रहे हैं। तो मैंने माइक्रोवेव को पहले से 170°C पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर दिया था। अब मैं इसे 170° पे कन्वेक्शन मोड पे 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। तो देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको टूथपिक डाल के दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्लियर है। तो ये केक हमारा एकदम बनके तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम जो है गनाश बना लेते हैं चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 बार और 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पे बटर लिया है। इसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया है 30 सेकंड के लिए। आप इसे डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है, मैं 1 बार और रख रही हूँ। आप जब भी चॉकलेट माइक्रोवेव में मेल्ट करें तो 30-30 सेकंड के गैप में ही उसे मेल्ट करें। तो देखिए यहाँ दूसरी बार में ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। एक बार में आप इसे मेल्ट ना करें, 1 मिनट के या 2 मिनट के लिए 30-30 सेकंड के गैप में करें। तो चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे झटपट से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया, निकाल देते हैं। तो हमने फ्लिप करके रखा है केक को, ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार हुआ है। अब हम ये गनाश इस पर लगा देंगे। तो देखिए ये केक जो है पूरा 25 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, विद बेकिंग और विद एवरीथिंग। तो ये बहुत ज़्यादा क्विक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं जब भी आपका या आपके बच्चों को खाने का मन करे। इस तरह से मैं इसे पूरे चॉकलेट से जो है इसे कवर कर देती हूँ। आप इसमें कोई भी स्प्रेड भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट स्प्रेड है किसी भी तरह का, तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ सिंपल वे और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, मॉइस्ट, सॉफ्ट और स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। अगर आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को और सारे क्वांटिटी को फॉलो करेंगे तो आपका भी एकदम सेम केक बन के तैयार होगा। अब मैं इस पर थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा देती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगे। तो देखिए कितनी क्विक रेसिपी है केक की, जो झटपट से बन जाती है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट केक है ये। सीरियसली टेस्ट में भी इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम डिलीशियस केक है। तो देखिए अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, एंजॉय दिस सुपर डिलीशियस एंड स्पंज केक रेसिपी। एंजॉय।